अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आज मैं आपको ये एलोवेरा प्लांट, उसकी केयर और उसको जैसे उसके पप्स हैं उनको रिपॉट करने का बताती हूँ। देखिए, ये एलोवेरा का मेरा प्लांट है। इसके बहुत बड़ा सा प्लांट है ये, और इसके साइड्स पे आपको देख रहे होंगे कितने ज़्यादा पप्स ये बने हुए। देखिए, ये जो है जब हमारे तकरीबन 1 फुट के बराबर हो गए थोड़ी हेल्थी, तो फिर इनको निकाल के और फिर मैं इनको अलग अलग पॉट्स में डालती हूँ। अब जैसे ये है, ये मैंने निकाल के इनको अलग अलग छोटे पॉट्स में मैंने लगा दिया था। अब आप इनकी ये देखें, न्यू लीव्स स्टार्ट हो गए निकलने। ये जो ओल्ड लीव्स हैं ये, और ये न्यू लीव्स हैं, इनकी ग्रीनरी और इनकी कलर में देखें डिफरेंस आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इसका मतलब है कि इन्होंने रूट्स स्टार्ट कर दिए। अब इस तरह ये देखें, ये जो ओल्ड लीव्स हैं वो इस तरह के थे, लेकिन अभी जो सेंटर से अगर आप देखें तो न्यू लीव्स जो निकल रहे हैं वो ग्रीन हैं। अब इनको मैंने क्या करना है कि अलग अलग पॉट्स में इनको निकाल और फिर मैं थोड़े बड़े पॉट्स में इनको लगाती हूँ। ये मैंने एक दिन पहले इनको निकाल लिया था। ये देखें, इनकी रूट्स कम्प्लीटली डेवलप हुई हुई हैं। इनको एक दिन पहले निकालने का ये मतलब था कि ये थोड़े ड्राई हो जाएं, तब मैं इनको न्यू पॉट्स में लगाऊं। हमेशा आप ऐसे ही करें कि जब भी आप एलोवेरा को आपने रीपॉटिंग करनी हो तो उसको 1-2 दिन आप दें, क्योंकि अब यहाँ पर मैं रियाद में हूँ और यहाँ पर टेम्परेचर अभी 41 है, इसलिए मैंने एक दिन भी इनको निकाल के बाहर रख दिया था तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर आप किसी और एरिया में हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो आप 2 से 3 दिन आप इनको दे सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा इनको। ये जितने बाहर पड़े रहेंगे ये ड्राई हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप इनको लगाएं। बिल्कुल गीली रूट्स आप एक से दूसरे पॉट पे आप ना लगाएं। अब जैसे ये है, ये देखें, इसको मैं अब निकालने का तरीका क्या होगा कि मैं इसको यूँ प्रेस करूँगी पॉट को हल्के हल्के, और ये मैंने मिट्टी अलग कर दी। अब ये देखें, बिल्कुल आराम से इसकी रूट्स ये निकल आई, ठीक है ना। अब इसको भी 1-2 दिन रखेंगे और तब हम इसको पॉट में लगाएंगे। ये मेरे पहले से जो पॉट्स थे इनमें इस तरह से पेटूनिया लगा हुआ था, लेकिन अभी देखें क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ गई है, अब इसकी फ्लावरिंग भी बहुत, ये कितने छोटे छोटे आने लगे हैं। अब ये भी पत्ते भी थोड़े मुरझा रहे हैं करें, तो अब मैं इनको पॉट्स में से निकाल के और मैं एलोवेरा इसमें लगा दूँगी। जैसे ये मैंने किया है, तो ये मैंने ये पॉट, इसमें भी पेटूनिया लगा हुआ था वो मैंने निकाल दिया, निकाल के अब इस पॉट को, और ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने ये जगह ऊंची रखी है और ये नीचे। असल में एलोवेरा को क्या चाहिए होता है कि इसकी जो रूट्स होती है, ये जो जगह होती है जहाँ पर इसकी रूट होती है वहाँ पर मिट्टी हमारी लगी हुई है, तो फिर एक तो ये पप्स भी जल्दी देता है और जल्दी से ये ग्रो भी करता है। अब ये जैसे छोटे पॉट्स थे तो इनमें उस तरह बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो इसमें इस तरह लगाया तो इन्होंने थोड़ा टाइम लिया है ग्रो करने में, लेकिन आप देखेंगे कि जो हम इस तरीके से लगाएंगे, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे होल करना है, क्योंकि ये बड़ा पॉट है, 3 से 4 आराम से यहाँ पे एलोवेरा के प्लांट्स लग जाएंगे। ये एक हाथ से, क्योंकि मैं कर रही हूँ एक हाथ में, मोबाइल है मेरे पास। अब ये मिट्टी उसके साइडों पे मैं कर देनी है। तीन से चार मैं एक ही पॉट में लगा रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये फुल हो जाए थोड़े अरसे में। जिस तरह से ये मैंने ये लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है, या ये सारे मैंने एक साथ लगाए थे। अब ये देखिए, ये अकेला लगा हुआ था तो ये पूरा कितना बड़ा होगा। ये मैंने जो योगर्ट की बकेट्स आती हैं उनमें मैंने लगाया, क्योंकि उस वक्त बाकी जगह नहीं थी और पॉट्स में फ्लावर्स लगे हुए थे, तो ये मैंने इनमें लगा दिया था। अभी इसमें बड़े में भी मैं
इसलिए इसमें कर रही हूँ क्योंकि इसमें पानी की कम ज़रूरत होती है। और ये बकेट्स इस वक्त फारिग भी थी, पेटूनिया मैंने निकाल दिया, तो मैं चाह रही थी एलोवेरा इस टाइम में थोड़ा अच्छे से ग्रो हो जाए। मैं सेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसको पानी नहीं दूंगी। ऐसे तो हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हम फौरन वाटरिंग कर देते हैं, लेकिन इसको मैं 2-3 दिन के बाद इसकी वाटरिंग स्टार्ट करूंगी। और अभी मैं छांव में इसको रख दूंगी। ऐसे भी अभी गर्मी, जितना टेम्परेचर बढ़ गया है, मैंने सारे जो है वो ग्रीन नेट के नीचे प्लांट्स रख दिए, वरना जो है वो इतनी तेज़ धूप में 41 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ये ख़राब हो जाएंगे। इसको लाइट भी चाहिए। अगर मैं इनको इंडोर लेके गई तो ये 2 दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर एसी की जो ठंडक होती है उसकी वजह से बिल्कुल, और लाइट भी प्रॉपर नहीं मिलती है, इसलिए मैं इनको इंडोर नहीं रखूँगी, आउटडोर ही रखूँगी। लेकिन ग्रीन नेट के नीचे मैंने इनको रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह ये इस मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। मैं आपको और भी अपने एलोवेरा के प्लांट दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये प्लांट है, ये भी कितना बड़ा हुआ हुआ है, और इसकी ये जेल, ये अंदर जेल होती है सारे। अब इस प्लांट को अगर आप देखें, अब ये देखें, मेरा पूरा हाथ, हाथ से बड़ा है ये पत्ता। ये देखें, 4 फिंगर्स के बाद भी कितनी, यानी कितनी ज़्यादा बड़े हो गए हैं इसके लीव्स। और इनके अंदर इसी तरह जो जेल है वो भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। अब इसकी केयर क्या होती है कि हमें इसको जो है वो, मैं तो क्या करती हूँ, क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र जो देती हूँ वो घर में जो बनाना आते हैं, जैसे अभी रमज़ान गुजरा है तो बनाना के रोज़ के 2 मैं बनाना की स्किन जो है वो उनको छोटे छोटे पीसेस में काट के, और जो मिल्क बॉटल होती है वही खाली होती है, तो उसको उसी में डाल के और पानी से भर देती हूँ। तो फिर 15 दिन के बाद वो समझें कि हमारी पोटाशियम वाली फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है। तो वो मैं इसको ज़्यादा नहीं देती हूँ, बस 15 दिनों में एक आध दफ़ा, 15 दिनों में एक दफ़ा। और इसी तरह जो इसकी मैंने सॉइल बनाई हुई है, उसमें बनाना के जो छिलके होते हैं उनको सुखा के, उनको पीस के, और वो मैंने इसकी सॉइल में भी डाला हुआ है। और पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो आपने देखना है कि जब आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए, और खुश्क हुए हुए भी 3 से 4 दिन गुजर जाएं, तब आप इसको पानी दें। आज मैंने बहुत दिनों के बाद अब इसको पानी डाला है, वो भी मुझे इसके लीव्स धोने थे, तो मैंने इसको लीव्स धोने के दौरान ही बस जितना पानी इसको लग गया लग गया, ठीक है ना। तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो उससे इसके जो रूट रॉट होने का ख़तरा होता है, यानी जड़ें गल सड़ जाती हैं, तो वो आपने नहीं करना है। और इसका बस ये ध्यान रखना है कि इसको कैसे, इसको ब्राइट एरिया में रखना है, यानी जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना भी पड़े, इनडायरेक्ट, लेकिन ब्राइट लाइट हो, अच्छी तेज़ रोशनी हो, ठीक है ना। तो फिर ये एक से ही आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। अब इसके पप्स बहुत निकले हुए हैं, अभी मैं इनको नहीं छोड़ रही, अभी निकाल नहीं रही, यानी अभी इसको मैं थोड़ा टाइम दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत से गमले बने हुए हैं। आप भी इसी तरह अपने एलोवेरा के प्लांट की केयर करें, और फिर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई और मालूमात आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।